कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या आपकी आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप। बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, बट सच्चाई जब सामने आएगी ना आपके, तब आप सब उसको देखिएगा और आप मेरे को बताइएगा कि मैं गलत था कि सही था। इस वक्त हमारी मौजूदगी मालवीय नगर में है। हम लोग यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बाबा का ढाबा जो सोशल मीडिया पर फेमस हुआ था और उसको फेमस करने वाले जो शख्स थे गौरव, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। इन पर बाबा का ढाबा के जो मालिक हैं कांता प्रसाद जी, उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने पैसे का गबन किया है, जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दी है। गौरव, ये क्या आरोप लग रहे हैं? क्या कुछ ऐसा मामला सामने आ रहा है पूरी तरह से कि पैसे का गबन हुआ है, पूरी तरह से उन तक पैसे नहीं पहुंचे हैं जो आपके अकाउंट में आए थे? क्या है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुरुआत इसी चीज़ से करना चाहता हूं कि अगर आप किसी की मदद करने के लिए जाते हैं और आप पे ही उल्टा कोई आरोप लगाया था, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे कोई जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है जी, मैं तो किसी के पास गया था एक छोटी सी पहल करने के लिए, एक मदद के रूप से कि उनकी मदद हो जाए, क्योंकि जब मैंने उनकी हालत देखी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। यही सोच के मदद की थी कि 80 साल के दो बुजुर्ग दंपत्ति इतनी मेहनत करते हैं तो हम एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं जिनसे उनकी थोड़ी सी मदद हो जाए। और मदद कितने बड़े पैमाने पर हुई ये पूरी दुनिया ने देखा। ना ही सिर्फ उनकी मदद हुई बल्कि पूरे देश में लाखों करोड़ों ऐसे बुजुर्ग लोगों की मदद हुई जो अपनी दो वक्त की रोटी का गुजारा भी नहीं कर पाते थे। लोग बाहर निकले, लोगों ने वीडियो डालना वायरल किया, लोगों ने सोशल मीडिया में मुझे टैग करना शुरू किया कि देखिए आज हमने इनकी मदद की, देखिए आज इन अम्मा की मदद हुई, देखिए आज इन बाबा की मदद हुई। तो आप सोच सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना ज़्यादा आया था उस वीडियो को लेकर। लेकिन जब थोड़े दिन पहले, एक हफ्ते से ये मेरे पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि मैंने फ्रॉड किया है बाबा के साथ, वो भी 20 से 25 लाख रुपए का। तो देखिए 20 से 25 लाख रुपए का फ्रॉड बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर मैंने फ्रॉड किया होता तो मेरे पास उसके प्रूफ नहीं होते। तो मेरे पास सब चीज़ों के प्रूफ्स हैं और वो प्रूफ है मेरी बैंक स्टेटमेंट के तौर पर, कि मेरे को आज लोगों के सामने अपना सच प्रूफ करने के लिए अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट रखनी पड़ रही है, ये दिखाने के लिए कि देखिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और अगर किया होता तो मैं आज आपके सामने ना खड़ा होता। गौरव, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं आपसे कि जब आपने वीडियो डाला और उसके बाद से लोगों ने उनकी मदद करनी शुरू की, तो शुरुआत के दिनों में कितना पैसा आया, कहां कहां से आया और आपने किसका अकाउंट डिटेल्स जो थी पब्लिक के साथ शेयर की थी? सबसे पहले तो ये हुआ जी, जब मैं वीडियो बनाने के लिए गया तो मैंने बाबा को ये स्पेसिफिकली बोला, आप वीडियो में सुनेंगे भी, तो मैंने उनको बोला कि बाबा मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं, आपके लिए हम कुछ फंड रेज करेंगे, जो भी फंड रेज होंगे हम आपको दे के चले जाएंगे, और अगर आपके पास फंड रेज नहीं हो पाए तो मैं अपनी जेब से आपको 30-40 हज़ार रुपये दे जाऊंगा। तो मैं ये क्यों बोलूँगा? आप सोचिए, अगर मेरे मन में कुछ खोट होता, गलत होता, तो मैं ये बात बोलता ही नहीं। और ये बात मेरे पास इसके प्रूफ भी हैं वीडियो के अंदर। और उसके बाद लोग बोलते हैं कि भैया आपने बाबा के 20 लाख रुपए खा लिए, तो भाई आप मेरे पास आके मुझसे पूछे तो सही, मैंने 20 लाख खाई है, मेरे अकाउंट डिटेल्स तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, सबसे पहली चीज़। उसके बाद बाबा को ये लोग, बाबा कह रहे हैं मुझे भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि बस मुझे लोग आके बोल के जा रहे हैं कि गौरव ने आपके 20 लाख खा लिए, तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ भाई आप मेरे से आके एक बार रिकन्फर्म तो कीजिए। तो उसका जो सबसे बड़ा जवाब है वो यही है कि जो मेरे अकाउंट में जो भी पैसे आए वो मैंने अगले दिन ही एक वीडियो वायरल करी, 7 तारीख को ये वाली वीडियो हुई, 8 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाई फेसबुक पे, जिसमें मैंने हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट की कि इनके पास जो भी मदद आनी थी वो सब आ चुकी है, आप प्लीज और फंड्स मत दीजिएगा। वो मैंने कैसे की, क्योंकि जब मैं बैंक गया इनके पास पैसे आए थे 70-75 हज़ार रुपये, अगले दिन से ही वायरल होने लग गई, लोग इनको कैश दे के जाने लग गए कि आपकी इससे कुछ मदद होगी। मैंने खुद बाबा को बोला, बाबा आइए हम बैंक चलते हैं, हिमांशु भी मेरे साथ गया, हम बैंक चलते हैं और हम आपके पैसे जमा कराते हैं ताकि इसका मिस यूज़ ना हो कहीं पे भी, क्योंकि आप अभी बहुत खबरों में हैं, हो सकता है लोग आपसे पैसा कहीं छीना छपटी ना कर लें, तो आप चलिए। तो सोचिए मैं उनको बैंक भी लेके गया, मैंने उनके पैसे भी जमा करवाए और मैंने उनको रसीद भी आगे से दी, जो वो कहते हैं कि मेरे को नहीं मिली, तो चलिए रसीद नहीं मिली, कम से कम बैंक की पासबुक कॉपी में तो वो आएंगी ना 75 हज़ार रुपए की। जो ये बताइए, जब आपने वीडियो बनाई तो किन लोगों की अकाउंट डिटेल्स शेयर की, क्योंकि खबरें इस तरह से, क्योंकि आपने अपनी वाइफ की और अपने भाई की जो अकाउंट डिटेल्स है वो शेयर की थी पब्लिक के साथ? करते हैं ना, अगर मैंने ये सब काम किया है तो वो सब पैसा, वो सब की स्टेटमेंट मेरे पास है, मैंने अपनी स्टेटमेंट की थी और पेटीएम में अपने वाइफ की थी, क्योंकि मेरे पास पेटीएम है नहीं, और उसका जो भी पैसा है उसके सारी मेरे पास रिसीट्स हैं, उसके सारे मेरे पास बैंक प्रूफ हैं। और मेरे भाई का तो मैंने आज तक कभी कहीं जिक्र ही नहीं किया, मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे भाई को बीच में घसीटा जा रहा है कि उसकी भी बैंक डिटेल दी हैं। तो अगर दी हैं तो आप कार्रवाई करिए, आप दिखाइए लोगों को कि भैया देखिए इनके पास जो था इन्होंने सब दे दिया है, बाबा के अकाउंट में क्या है वो आप लोगों को दिखाइए, क्योंकि वो जानना जरूरी है। अगर लोगों को ये भी लगता है कि भाई मैंने उनके पास उनके पैसे रखे होते तो मैं सबको पैसे देने को भी तैयार। आपने फंड रेज किया बाबा के लिए, तो आपके अकाउंट में जो पैसा पहुंचा और आपकी वाइफ के अकाउंट में जो पैसा पहुंचा वो कितना था, उसकी डिटेल देखिए। सबसे पहले तो मैंने बाबा को 2,33,000 रुपए का एक चेक दिया, उसके बाद मैंने 1 लाख रुपए की NEFT की, उसके बाद मैंने 45,000 रुपए पेटीएम जो आए 7 से 10 तारीख के बीच में वो उनको चेक के तौर पर, आपकी वाइफ के अकाउंट पेटीएम मेरे पास था
था नहीं, तो लोग मुझसे कह रहे थे कि हमें डोनेट करना, और वो मैंने 8 तारीख के 9 तारीख के बाद देना भी बंद कर दिया। बहुत सारे मैसेजेस आज भी मेरे फ़ोन में हैं जो लोग मुझे बोलते हैं प्लीज़ आप मुझे ये बताइए। मेरा एक बार फ़ोन दिखाएंगे ज़रा, मेरे फ़ोन में मैंने ये भी लिखा, ये भी आपको मैं मैसेज दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने ये बोला है लोगों को, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, वी हैव सेव्ड इनफ फॉर बाबा, वी डोंट थिंक वी नीड मोर। ये मैं आपको 8 या 9 तारीख का दिखाता हूँ अभी, जिसमें मैंने लोगों को ये भी बोला है। मैं आपको भी इसके, आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना आया था? देखिए टोटल अमाउंट की जो भी फिगर्स हैं वो मेरे सामने यहाँ पे हैं, तो मेरे पास जो था जी वो 1,20,000 रुपये मेरा पर्सनल था, तो मुझे ये भी दिखाना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि किस हद तक मुझे गिरना पड़ रहा है कि मुझे अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करनी पड़ रही है, पब्लिक के साथ अपना अकाउंट नंबर शेयर करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ क्योंकि मेरे मन में कोई चोर नहीं। 1,20,000 रुपये का मेरा पर्सनल था। उसके बाद 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 7th to 10th जो भी इनके लिए रेज हुआ अमाउंट वो सारा है 444 माइनस माय अमाउंट ऑफ 120, सो विच इज़ अराउंड 325। बट मैंने इनको 3,33,000 का चेक दिया और 45,000 रुपये का मैंने इनको पेटीएम दिया। इसके अलावा मेरा कोई खाता नहीं है, कोई अकाउंट डिटेल नहीं है, और अगर है तो आप प्लीज़ उसको देखिए, ढूंढवाइए, आप करवाइए कार्रवाई। मुझे कोई, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना किसी। जिस दिन आपने वीडियो बनाई उसके अगले दिन से तुषार नाम के जो शख्स हैं वो उनके साथ हैं बाबा के, वो कहते हैं कि वो अब उनके मैनेजर हैं, उनका सारा अकाउंट डिटेल संभालते हैं, उनका सारा बिजनेस संभालते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो आपने अकाउंट डिटेल्स शेयर की हैं अपनी, वो सब एक्सेल शीट पर और उसमें एडिट है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये अगर ये बैंक वेरीफाइड स्टेटमेंट है, बैंक ने इसको वेरीफाई किया हुआ है, बैंक तो झूठ नहीं बोलता ना जी, बैंक की वेरीफाइड स्टेटमेंट है। एक्सेल शीट पे दिखाने का सिर्फ यही एक मेरा मोटिव था कि मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ ना शेयर कर पाऊं, लेकिन लोगों को उसमें भी विश्वास नहीं हुआ, तो मेरे को बैंक जाके वेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट निकलवानी पड़ी कि लो भैया ये है सच, ये है आप लोगों के आगे सच। कम से कम मेरी भी तो पहरी सुनो कि भैया आपकी, आपको क्या कहना है। बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना, बहुत आसान होता है। और ये जो 20 लाख रुपए की बात कही जा रही है, बाबा कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए आए थे उनके अकाउंट में, उसकी जानकारी आपको कैसे हुई, इस बारे में बताइए। देखिए जब हम बैंक गए थे बाबा के 75,000 रुपए जमा कराने के लिए, तो हमने अगले ही दिन मेरे पास वीडियो है, मैंने ये बोला बैंक को कि भैया आप हमें पासबुक में एंट्री दे दो कि 75,000 रुपए इनके अकाउंट में जमा हो गए। बैंक बोलता है कि जी 75 हम आपको एंट्री नहीं दे सकते क्योंकि इनका जो अकाउंट है वो सीज है। तो आप सोचिए जिस बंदे के अकाउंट में 12-13,000 रुपए थे 7 तारीख को, 24 घंटे से अंदर ही उनका अकाउंट भी सीज हो गया। अकाउंट सीज क्यों होता है? आपका अकाउंट तो आज तक नहीं सीज हुआ, मेरा तो नहीं हुआ, इनका तो नहीं हुआ। अकाउंट सीज होने का मकसद क्या है? क्योंकि उनको उनकी अकाउंट में डोनेशन आना शुरू हो चुकी है और बहुत बड़े पैमाने पे आना शुरू हो चुकी है। अब वो बोलते हैं गौरव ने मेरा अकाउंट डिटेल नहीं दिया, तो आप चलिए उनके बैंक 7 तारीख की उनकी एंट्रीज खुलवाइए, आपको पता चल जाएगा कि उनके अकाउंट में 7 तारीख को कितना पैसा आया। उन्होंने अपनी डिटेल्स खुद ही देना शुरू कर दी थी और मेरे को इस बात का इल्म भी नहीं है, मुझे इस बात का पता भी नहीं है। मतलब आपने उनके अकाउंट डिटेल्स किसी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की थी? नहीं, मैंने उनकी, मेरे को क्या पड़ी है किसी के अकाउंट डिटेल शेयर करने की, और हु एम आई टू शेयर एनीबॉडीज पर्सनल डिटेल्स। मेरे को अपनी करनी थी क्योंकि मैं गलत नहीं था, मैंने कर दी। अगर उनके अकाउंट में 20 लाख 25 लाख या जो भी जितना भी पैसा आया हो वो उनका अपना पैसा है। मुझे तो उससे, मैंने तो उनको ये भी नहीं बोला कि आप मुझे इसमें से भाई पैसे दो, हमें क्या करने, हम तो किसी की मदद करने के लिए गए थे। उसके बाद मैं आगरा वाली अम्मा के पास गया, उनकी मदद करके, आप देखिए उनके पास उनकी आज अपनी पर्सनल कार्ट है, बेचारी सड़क किनारे बैठ के रोटियां सेकती थी 80 साल की उम्र में, क्योंकि उनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया था, उनकी बहुएं उनका पूछता नहीं। आपके नाम पे शिकायत दर्ज करवाई गई है दिल्ली पुलिस में, इस तरह के आरोप आप पे लग चुके हैं अब तक, अलग अलग तरह से अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रही हैं इस चीज को लेकर, तो अब आपकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा, क्या आप भी कोई कार्रवाई करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर आप किसी को डिफेम करेंगे, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाएंगे, किसी को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे जबकि वो झूठा नहीं है, तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। देखिए हम ऐसे है नहीं, हमारा बैकग्राउंड ऐसा है नहीं, अगर आप मेरा बैकग्राउंड भी देखेंगे तो मैंने आज तक कभी ये सब चीज़ों के बारे में ना सुना ना जाना, ना पुलिस से कह रही कि भगवान ना ही करे कभी किसी को जाना भी पड़े, लेकिन जब इतना लोग डिफेम कर देते हैं, इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं, इतना लोगों को डिमोरलाइज कर देते हैं, क्या मैं किसी की मदद करूँ? आखिरी मुलाकात कब हुई थी बाबा से आप? मैं उनको 1 हफ्ते पहले मिला था, लेकिन जब से ये वीडियो नेगेटिविटी आने लग गई तो मुझे लगा कि भाई बाबा के कान में बहुत सारी चीज़ें भरी जा रही हैं, बहुत सारे लोग उनको कुछ ना कुछ कोशिश की आपने कि ये सब चीज़ें क्लियर हो सकें बाबा? क्लियर कैसे करूँ, क्योंकि बाबा मेरे को कल एक वीडियो आई है जिसकी भी मेरे पास बाइट है, उसमें बोलते हैं कि हमने गौरव को अपने पास बुलाया ही नहीं था, वो क्यों आया हमारे पास वीडियो बनाने के लिए। आप ये सोच सकते हैं, जो इंसान ये कह सकता है कि गौरव को हमने बुलाया नहीं था वो क्यों आया हमारे पास वीडियो बनाने के लिए, तो आप सोचिए कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो अगर ये बोल सकते हैं कि गौरव मेरे पास वीडियो बनाने क्यों आया, तो आप सोचिए कि उनके कोई कान भर रहा है ना। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो सब बातें बोलते ही नहीं। किसी की मदद, भगवान अगर आज की डेट में आप किसी की 1,000 रुपये की मदद करें तो आपको लोग इतनी दुआएं देते हैं, यहाँ तो पता नहीं कितने लाखों रुपये की उनकी मदद हो गई, तो दुआएं देने के चक्कर में वो ना शुक्र गुजार हैं उस ऊपर वाले के, परमात्मा के, कि भैया मुझे तो इसने फ्रॉड कर दिया 20 लाख रुपये। क्या कार्रवाई आपकी तरफ से हो सकती है? हमें अभी पता नहीं, जो हमारे लॉयर हैं वही इस बारे में
अब करेंगे आगे गोइंग फॉरवर्ड, एंड वी विल ऑब्वियसली बी टेकिंग आर स्टेप्स फॉरवर्ड, लीगल एक्शंस ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज आप ऐसे किसी को डिफेम नहीं कर सकते, आप ऐसे किसी के बारे में नेगेटिविटी नहीं फैला सकते, आप कम से कम क्लियर आउट तो करो कि गौरव भाई अगर आपके पास पैसा जो है आप दे दीजिए, नहीं जैसे भी करना है आप कर लीजिए, अगर मेरे मन में चोर होता तो मैं पैसा देता ही नहीं, आज नहीं दिए, कल नहीं दिए, परसों नहीं दिए, अगर मेरे को नहीं देने होते तो मैं देता ही नहीं। लीगल कुछ भी कार्रवाई करने से पहले क्या एक बार कोशिश की जाएगी बाबा के पास जाके ये सब क्लियर आउट करने की? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए हमने, मैं आपको जैसे कि बुलाया, हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है, हमारे परिवार में इतनी प्रॉब्लम्स हैं पिछले 7 दिन इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे फादर का नाम खराब हो रहा है, मेरी फैमिली का नाम खराब हो रहा है, इस तरीके से मेरे को डिफेम करने के बाद हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं ढंग से, क्योंकि हम लोगों को इतना बुरा भला कहा जा रहा है, बिना ये पूछे एक बारी भी कि क्या आप गलत है गौरव, आप कम से कम मेरे पास आके पूछो तो सही, अगर मैं गलत होता तो मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा होता? सच्ची लड़ाई के लिए मैडम मेहनत, अगर मैं आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या, आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप। बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, बट सच्चाई जब सामने आएगी ना आपके, तब आप सब उसको देखिएगा और आप मेरे को बताइएगा कि मैं गलत था कि सही था। बाबा ने जिस तरह से गौरव के ऊपर आरोप लगाए, उस बात पर गौरव ने अपना पक्ष भी मीडिया के सामने रखा, गौरव ने अपनी अकाउंट डिटेल्स भी शेयर करी, और बाकी जो चीज़ें सामने आ रही थी कि उनकी वाइफ के अकाउंट में भी पेटीएम के जरिए पैसा पहुंचा है, उसकी अकाउंट डिटेल्स भी गौरव ने मीडिया के सामने रखी हैं। अब गौरव जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सबके सामने पूरे साफ तौर से पक्ष रखना चाहते हैं। गौरव का ये भी कहना है कि अगर इस तरह से आरोप लगाए जाएं तो हो सकता है वो भी आगे कुछ कार्रवाई करें। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।